एवरीवन, इंशाल्लाह आप सब खैर से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कौरमा खड़ा मसाला। तो उसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम्स चिकन, आप चाहे तो उसे बोनलेस भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने लिया है 2 मीडियम साइज्ड ऑनियन, जिसे हमने स्लाइस कर लिया है, और हमने लिया है कोरिएंडर लीव्स और 3 ग्रीन चिलीज। अब हम इसके बाद बनाएंगे ऑनियन पेस्ट। इसके लिए हमें चाहिए 1 मीडियम साइज रफली चॉप्ड ऑनियंस। उसके बाद हमने लिया है टर्मरिक, हमने उसे लिया है 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। उसके बाद हमने लिया 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून कैश्यूज। उसके बाद हमने लिया 1 टेबलस्पून आलमंड्स, और हमने सॉल्ट पर टेस्ट, आपके हिसाब से आप सॉल्ट ले लीजिए। उसके बाद हमने लिया है 3/4 कप कर्ड, आप जितना भी ग्रेवी बनाना चाहते हो आप उसके हिसाब से आप कर्ड ले लीजिए। उसके अंदर हमने ऐड किया वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद हमने उसे अच्छी तरह से बीट कर लिया। उसके बाद हमने लिया है ऑयल, हमने पैन में ऑयल डाल दिया है और वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑनियंस, तो 2 मीडियम साइज ऑनियंस हम इसे डाल रहे हैं आप, और इसके जितनी हमें डाला है उसके बाद हमें इसे अच्छे से सोटे कर देंगे और उसे ब्राउन होने तक वेट करेंगे। और हाँ गाइस, जब तक ये ब्राउन होता है तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारे ऑनियंस लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसके अंदर डालेंगे हमारा ऑनियन पेस्ट। तो हम इसमें डाल रहे हैं हमारा ऑनियन पेस्ट। तो आज आप देख सकते हैं हमने इसमें डाल दिया है। हम इसके अंदर छोटे कर लेंगे इसके। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह से पक गया है। तो हम इसके अंदर डालेंगे हमारे चिकन पीसेस, वो अभी से अच्छे अच्छा दिखने लग गया है और मुझे अभी से मुँह से पानी निकल रहा है। और हाँ गाइस, आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिली। तो हम इसके भी सॉटे कर देंगे। वाओ गाइस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं कोरिएंडर लीव्स, थोड़े से अब हम डालेंगे अब, उसके बाद हम थोड़े से कोरिएंडर लीव्स गार्निश के लिए बाद में रख देंगे। तो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हमारा दही और वाटर वाला मिक्सचर, हमने डाल दिया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं वो कैसा हो गया है। और अब हम इसे टेंडर होने के लिए 15-20 मिनट्स ढक कर रख देंगे। गाइस, तो ये पक गया है और हम इसके अंदर डाल रहे हैं कोरिएंडर लीव्स गार्निश के लिए। वाओ गाइस, कितना क्रीमी दिख रहा है। तो हम इसके भी सोटे कर लेंगे। हमारा चिकन कौरमा खड़ा मसाला तैयार हो चुका है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह। मुझे मेरे मुंह से पानी निकल रहा है गाइस, मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इसे कब खाऊंगी। तो हाँ गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी उसे आप कमेंट करके बता देना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।